रेसिपी है वो है चिकन और गाजर का सालन। तो सबसे पहले मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बताऊंगी कि मैं इसमें क्या क्या ऐड करूंगी। तो स्टार्ट करते हैं। हाफ़ टी स्पून, सबसे पहले मैं आपको मसाला जात बता देती हूँ। हाफ़ टी स्पून हमारे पास रेड चिली है यानी लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून हमारे पास टर्मरिक पाउडर है यानी हल्दी, हाफ़ टी स्पून ब्लैक क्यूमन सीड है यानी जीरा, सॉरी कलौंजी, हाफ़ टी स्पून क्यूमन सीड है यानी जीरा, हाफ़ टी स्पून टर्मरिक पाउडर है यानी हल्दी, और इसके अलावा हमारे पास ब्लैक पेपर के चंद दाने हैं यानी काली मिर्च के, और हाफ़ टी स्पून ही हमारे पास साल्ट है यानी नमक। नमक की मिकदार को आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। चिकन जो है हमने फ्रिज में रखी हुई थी तो इसलिए ये थोड़ी सी जमी हुई है, और ये है हमारे पास 250 ग्राम। और प्याज़ों को हमने जो है अनियन को हमने तल लिया है, तीन जो है दरमियानी साइज़ के हमने अनियन लिए थे और उनको हमने तल लिया है। आप तल के जो है सालन में डालें, बहुत ही डिफरेंट टेस्ट आता है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ज़बरदस्त बनता है सालन। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा जी। इसके अलावा हमारे पास गर्म मसाला है 1 टीस्पून, और हाफ़ टी स्पून ही हमारे पास जो है सौंठ है यानी अदरक का पाउडर, और अदरक का हमने पाउडर डाल दिया है तो इसलिए हमने इसमें जो है वो लहसुन ऐड नहीं किया, क्योंकि सौंठ जो है गर्म होती है। और इसके अलावा हमने टमाटोज ले लिए हैं 3 से 4, जो कि हमने दरमियानी साइज़ के काट लिए हैं, और इसके अलावा हमारे पास गाजर है 200 ग्राम, जो कि हमने अच्छे तरीके से वॉश करने के बाद इसको अच्छे तरीके से बारीक बारीक काट लिया है। तो बनाना स्टार्ट करते हैं। कढ़ाई को हमने ऊपर रख दिया है और फ्लेम को ऑन करते हैं जी। कढ़ाई को हमने अच्छे तरीके से वॉश कर लिया था और फ्लेम को हमने ऑन कर दिया है, इसे हम अच्छे तरीके से खुश्क होने देंगे जी। कढ़ाई जो है खुश्क हो चुकी है, अब हम इसमें 1 टेबल स्पून ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल को हल्का सा गर्म होने देंगे जी। ऑयल जो है गर्म हो चुका है, इसमें हम चिकन ऐड करेंगे जी। साथ ही हम तमाम मसाला जार जो हैं वो भी ऐड कर देंगे, और तले हुए प्याज और सौंठ और गरम मसाला भी ऐड कर देंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आंच को हमने हल्का ही रखना है, जितना आप हल्की आंच पर जो है सालन बनाते हैं उतना ही ज़बरदस्त जो है हमारा सालन बनता है जी। अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे हल्की आंच पर, 10 से 15 मिनट हम इसे पकने देंगे, क्योंकि मुर्गी जो है अपना पानी खुद छोड़ती है, तो ये मसाले में खुद ब खुद जो है 10 से 15 मिनट में तैयार हो जाएगी। फिर हम इसमें गाजर ऐड कर देंगे और आखिर में हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे जी। 10 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसमें गाजर भी ऐड कर देते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त सा ये कॉम्बिनेशन होता है, आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। और अगर आपकी रेसिपी जो है अच्छी बने तो मुझे आप कमेंट्स में बताइएगा कि आपकी जो है रेसिपी कैसी बनी, गाजर और चिकन का सालन आपका कैसा बना। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए, मेरी रेसिपी पसंद आए, तो इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट्स दीजिएगा। जी गाजर हमने ऐड कर दी है और अच्छी तरह से इसको हम मिक्स कर लेंगे। बहुत ही ज़बरदस्ती हमारी जो रेसिपी है वो आज की तैयार होने वाली है, बिल्कुल ही डिफरेंट रेसिपी है ये रेसिपी, जो है मैंने पहले नहीं बनाई। आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे जी। हल्की आंच पर गाजर को भी हम 10 मिनट इसमें पकने देंगे ताकि गाजर जो है सही से गल जाए। बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा जो आज की रेसिपी है वो तैयार होने वाली है। आप इसे नान के साथ खाएं, चपाती के साथ खाएं, सादा चावल के साथ खाएं, बहुत ज़बरदस्त लगता है ये सालन, बहुत ही टेस्टी होता है खाने में जी। 10 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसमें टमाटर ऐड कर देते हैं जी। टमाटर ऐड कर दिए हैं, अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे जी। टमाटरों को भी हम 10 मिनट इसमें जो है पकने देंगे
जी टमाटरों को भी हमने सही से भून लिया है। अब हम इसमें हरा धनिया ऐड करेंगे कटा हुआ, जो कि डंडियों समेत हमने बारीक बारीक काट लिया है। बहुत ही ज़बरदस्ती हमारी रेसिपी जो है वो तैयार हो चुकी है। मैं आपको डिश आउट करके भी दिखा देती हूँ। अच्छी तरह से हम हरे धनिया को मिक्स भी कर लेंगे और मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। फ्लेम को ऑफ करते हैं जी। प्लेट में निकाल लिया है, गाजर और चिकन का सालन हमारा तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त सा ये तैयार हुआ है, कितना ज़बरदस्त धुआँ जो है निकल रहा है। ये देखने में इतना ज़बरदस्त है तो खाने में कैसा होगा, आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपका गाजर और चिकन का सालन जो है कैसा बना। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए, मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट्स दीजिएगा। Thank you for watching. See you next time. Allah Hafiz.